सीपीआई सिटी हैदराबाद काउंसिल मेंबर शेख नदीम और सीपीआई लीडर टी राकेश सिंह ने टीएसएस पीडीसीएल इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड से मुतालबा किया है कि अंबरपेट हल्के के अली कैफे एक्स रोड जंक्शन के पास पुराने बर्क तार मौजूद हैं जिससे मकामी आवाम को खतरा लाहक है, इसलिए इस तरफ तवज्जो देते हुए पुराने तारों के सिलसिले में फौरन कोई कार्रवाई की जाए। मेरा नाम शेख नदीम है, मैं सी पी आई हैदराबाद सिटी काउंसिल मेंबर हूँ। आप देखिए आज सड़की का हादसा सामने आया, एक वायर कट के नीचे रोड पे गिरा, इधर रोड पे गिरे हुआ था। तकरीबन पब्लिक देखो आप एक मिनट में कम से कम 25 से 30 गाड़ी जा रही, एक मिनट में 25 से 30 गाड़ी जा रही। लिहाजा किसी की जान अगर चले गई तो उसके जिम्मेदार कौन है? हम पूछना चाह रहे हैं तेलंगाना गवर्नमेंट से, ये कचरा कुंडी ज़्यादा है। आप देखो वायरों को बताइए, ये कचरा कुंडी ज़्यादा है। तो इस तरीके का इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड अगर इस तरीके का अगर काम करेगा तो लिहाजा इंसान के जान के वांदे हो जाएंगे। आप देखिए वायरों में कोई चक्कर नहीं है, पूरा वारा लूज है। देखो जंक्शन के सामने दीवार होना चाहिए, वो दीवार भी नहीं है। कचरा कुंडी का माहौल या सलम बस्ती है, बाजू कई लोग रहते, कई गरीब लोग आ रहे थे, उनके जिंदगियों के वांदे हो जाएंगे, उनके जाना चले गए तो उसके जिम्मेदार कौन है? कंपनियाँ हैं, बाजू गली में लोग आ रहे जा रहे। देखो वायर कट गया, पिछले आधे घंटे के बाद ये लोग आके वायर काट कर तो ज्वाइन करके डाल रहे हैं, लिहाजा पूरे वायर नहीं डालना चाहिए इसके अंदर। आप देखिए लाइट वाली है, बोलो चल रहा है तो ना करोना लॉकडाउन ला अंदर की करंट बिल मोत मोगिचर गानी ఏ వైరు ఈ వర్షాకాలం వచ్చేసిన తర్వాత ఏ వైరు ఎక్కడి నుంచి దిగబడుతుందో ఎవరికి తెలియని పరిస్థితి అయిపోయింది. కరెంటు వాళ్ళు కరెంటు బిల్లుల మీద దృష్టి పెడతారు, కానీ ఈ కరెంటు వైర్ల మీద దృష్టి పెట్టలేరు ఎవరు. ఈ ప్రభుత్వం కూడా ఎటుపడి ప్రజలకు వెళ్ళి డబ్బులు ఎట్లా దోచుకోవాలని చూస్తుంది, కానీ ప్రజలకు ఎలా లాభం ఉందాలో గవర్నమెంట్ ఆలోచిస్తలేదు. దీని గురించి ఇప్పుడు ఎగ్జాంపుల్ అంబర్పేట్ అలీ